कोई गवर्नमेंट कुर्सी मिल जाती है तो बड़ा ही एक कहता है ना उदा होता है उसका और उसको बड़ी अच्छी तरीके से आदमी यूज़ भी करता है भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी सरकारी अफसर है तो एक तरीके से इसे बहुत अच्छी तरी गुड वे में यूज़ किया जाता है लेकिन इसी पद का इस्तेमाल किसी दुरुपयोग करने में हो कोई गलत काम करने में हो या फिर इसी कुर्सी इस पोस्ट का इस्तेमाल अपने आप को ज़्यादा बड़ा या फिर अपनी बात मनवाने के लिए हो तो क्या अभी भी उसको हम इस तरीके से कर सकते तो आज का जो ये वीडियो है आज का जो सेशन है इसी के ऊपर है कि जहां पर जज की कुर्सी की हुई नीलामी और यहां पर हमारे कोर्ट ने इस बहुत बुरी तरीके से ल, लताड़ा और जज के खिलाफ यहां पर एक्शंस भी लिए गए जानते हैं पूरी कहानी की क्या ये कहानी है कोर्ट ने सीजीएम को क्यों लगाई फटकार किस सीजीएम ने पद का किया दुरुपयोग तो पूरे सेशन को एंड तक जरूर देखेगा। और एक बार आगे चलने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ लेकर आया है दोस्तों 50 का ऑफ यदि आप भी न्यायाधीश बनने की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हम लेकर आए हैं आपके लिए 50% ऑफ का ऑफर जहां पर आप हमारे सभी बैचेस को 50% ऑफ पे ले सकते हैं इसकी पूरी सूचना मैं एक बार क्लास के एंड में भी आप सभी को बता दूंगी तो चलिए दोस्तों यहां पर आगे चलते हैं और मैं इस पूरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ कौन सी खबर है क्या यहाँ पर हुआ तो चलिए बात करते हैं कौन से हाईकोर्ट की ये डिसीजन है सो so दोस्तों अलाहाबाद कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा फैसला है जहाँ पर उन्होंने सीजीएम को एक इलेक्ट्रिसिटी का केस था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व था उस केस पर

करके एफआईआर करवाई किसके ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर करवाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर तालाहाबाद हाईकोर्ट क्वार द एफ आई आर बाय ये डांडा के एक सीजीएम है जिन्होंने जो यूपी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल है यूपी डिपार्टमेंट है उनके अगेंस्ट यहाँ पर एफआईआर एफआईआर करवाई और FIR में लिखा मैजिस्ट्रेट फॉर एक्टिंग हिज डिग्निटी अब बात उन्होंने अपनी ईगो पे ले ली कि भाई मैं मैजिस्ट्रेट हूँ और मेरी बात को नहीं माना जा रहा या मेरी बात जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से नहीं माना जा रहा तो उन्होंने अपनी पावर का यूज करके यहाँ पर क्या करा एफ लॉन्च कराई तो बेंच ने क्रिटिसाइज किया सीजीएम को जो कि क्या कौन है भगवान दास गुप्ता जी हैं। इन्होंने झूठे है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही साथ ये भी direct किया। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्यूचर जुडिशियल ऑफिसर्स को टू सीक द अप्रूवल फॉर कैपेसिटी तो ये भी कहा गया इनफैक्ट जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर कोई भी केस है कोई भी उनका ग्रीवेस है तो सबसे पहले उनको क्या लेना होगा डिस्ट्रिक्ट जज से अप्रूवल लेनी होगी तो ऐसा क्या यहां पर केस हो गया कि पर इतने बुरी तरीके से फटकार भी लगाई गई क्रिटिसाइज भी किया गया ये भी कहा गया कि अपनी शक्तियों का यहाँ पर मिस यूज दुरुपयोग किया गया साथ ही आगे जुडिशियल ऑफिसर्स को डीजे से यहां पर अप्रूवल लेना होगा किसी भी के लिए तो आइए दोस्तों बात करते हैं तो ये कहते हैं जस्ट <coughs> सेकेंड हाँ जी तो ये फॉन्ट आप लोगों को दिख जाएगा क्वाशिंग एन एफआईआर लॉच्ड बाय द सीजीएम बांदा अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हाई कोर्ट सेड दैट एक्ट्स वाज अनबिकमिंग ऑफ अ मजिस्ट्रेट द सीजीएम इन्होंने क्या किया वर्चुअली ऑक्शनड हिज चेयर इन्होंने अपनी कुर्सी की नीलामी यहां पर करी डिग्निटी की पोजीशन की कि इस तरीके से इन्होंने पर, पर पर्पस लगाए और इन्होंने इन द एफ आई आर बाई मिस इस पावर अपनी शक्तियों को मिस करते हुए ही कैन नॉट टू परमिटेड टू इंजॉय हिज पोजीशन एज अ सी एंड बिहेव एक्ट लाइक ऑर्डनरी लिटिगेंट तो भाई अगर उनको अगर उनके कोई भी पर्सनल ग्रीवियंसेज है तो वो सी का नाम इस्तेमाल करके अपनी पोस्ट और कुर्सी का नाम इस्तेमाल करके इस तरीके के काम नहीं कर सकते हैं अब बात आते हैं एक रिट पिटिशन देखिए यहाँ पर क्या होता है ये जो साहब है ना ये अपना कोई घर लेते हैं अब जब वो घर लेते हैं तो क्या होता है कि जब वो अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो जिनसे उन्होंने पहले घर लिया होता है उसका समथिंग कुछ डेढ़ लाख करीबन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग होता है तो वो ये कहते हैं भाई आप मुझे बताइएगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को लेंगे तो उसके जितने भी पिछले एरियज हैं कोई लाइबिलिटीज हैं या तो आपको लेने से पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशन में उसके साथ ही करनी होगी ठीक है कि भाई आप अपना सारा बिल विल पेंडिंग जो भी है उसको कंप्लीट करा के मेरे नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कीजिए या जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो वो लाइबिलिटी आपकी बन जाती है तो अब होता क्या है कि उस दौरान जब जब प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर को अप्लाई करते हैं तो डेढ़ लाख का यहाँ पर पेंडिंग बिल दिखाता है जिसको ये भरने से मना कर देते हैं अब ये कहते हैं कि उस बिल को मेरा मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है जबकि एक जुडिशियल ऑफिसर होने के बाद भी जिन्होंने तमाम केसेस को यहाँ पर देखा होगा उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर ये समझने में देरी लगी कि भाई कोई भी लाइबिलिटी है कोई भी इस तो आगे बात करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट uh, के ऊपर एफ लॉन्च कर देते हैं डिपार्टमेंट कहता है कि हमारी क्या गलती है ये तो इनका इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम इन, इनकी प्रॉपर्टी से हुई उसी का बिल पेंडिंग है और हम तो जायज काम कर रहे हैं इसके बाद भी नहीं होते जब ये यहाँ पर बात नहीं बन पाती है तो ये दूसरी एक पहले सीजीएम की कैपेसिटी से एफ लॉन्च कराते हैं फिर पर्सनल कैपेसिटी से एफ को लॉन्च कराते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो जाता है परेशान हो जाता है हरास की बार बार भैया ये एक अपनी पोस्ट को यूज करके इस तरीके से हमें डरा रहे हैं धमका रहे हैं और साथ ही केस केस, पे केस, लगा रहे रहे हैं, हैं, जबकि हम तो अपना काम ही कर रहे, यही हमारा काम है और उसको हम कर रहे हैं हमारा काम करने से ही हमें रोका जा रहा है तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ये एक रिट पिटीशन लगा देते हैं रिट पिटिशन फाइल कर देते हैं बाय मनोज कुमार गुप्ता और अदर टू हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट लग जाती है जो किसके सामने आती है टू जजेस बेंच के सामने आती है जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मोहम्मद अजर हुसैन के पास आती है अब ये ऑब्जर्व पूरे केस को जानने के बाद अपनी कंटेंशन यहाँ पर देने के बाद कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि ये जो हमारे सीजीएम हैं इन्होंने वायलेंट एंड टेलर्ड एलिगेशंस लगाए फ्रॉड करते हुए झूठ करते हुए चीटिंग फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अगेंस्ट ऑफिशियल टू टीच अ बेटर लेसन अब बार-बार एफआईआर करवा रहे हैं इस उस पर कि भाई इन्होंने सीजेएम की बात नहीं मानी मेरी बात नहीं मानी और इनको मैं सबक सिखाऊंगा इस सबक सिखाने के चक्कर में मल्टीपल केसेस इनके खिलाफ दर्ज कर देते हैं एंड देन टू अंडरस्टैंड द पावर एंड पोजिशन ऑफ सीजी ताकि ये लोग क्या कर पाए ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल से उनकी कंटेंशन थी इन्होंने हमें इस तरीके से किया कि भाई ताकि हम समझ पाए कि इनकी पावर क्या है इनकी पोजिशन क्या है ये मल्टीपल केसेस हम लोगों के ऊपर डलवा रहे हैं

उनकी अप्रूवल लेना होगा उनको कॉन्फिडेंस में लेके मिलेगी ऑप्टेनिंग उनकी अप्रूवल लेने के बाद ही वो एक इंफॉर्मेंट बन पाएंगे एफ के यानी कि अगर कोई एफ आई आर यहाँ पर करवानी है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज से यहाँ पर परमिशन लेनी होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या वाकई यहाँ पर सीजीएम की कुर्सी की नीलामी हुई है या क्या वाकई ही सीजीएम की कुर्सी अपनी पोस्ट का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी आम व्यक्ति को यहाँ पर हरास करने के लिए

तो आ, आगे देखते हैं अब इस केस के थोड़े तथ्यों पर चलते हैं फैक्ट्स पर चलते हैं व्हाइल क्वाशिंग द एफआईआर ये जो एफआईआर थी ना जो किसने की थी सीजीएम ने की थी इसको क्वैश करते हुए हाई कोर्ट कहता है तो रिकॉर्ड रजिस्टर ये कॉपी दीजिए जजमेंट की कॉपी और इसको सीजीएम के रिकॉर्ड में भी लगाइए तो सर्विस ऑफ रिकॉर्ड में भी आप इस कॉपी को लगाएंगे। चेंज इन्होंने जब अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर अकाउंट को चेंज करवाने के लिए कहा तो उनको एस डी ओ के द्वारा बताया गया जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का लोकल इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन का तो एक आउटस्टैंडिंग पेंडिंग यहाँ पर बिल है कितने का एक लाख छियासठ हजार का यहाँ पर नौ सौ सोलह रुपए का पेंडिंग बिल था तो ने सबसे पहले एडिशनल सिविल जज लखनऊ के सामने 2013 हजार तेरह अगेंस्ट द प्रीवियस ओनर ऑफ द हाउस हर हस्बैंड सेवरल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल ऑन फ्रॉड एंड अदर चार्जेस ड्यू टू वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी पहले इन्होंने ये किया फिर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे केस डाला एंड हाउ एवर वो सबस्टैंशियल केस वॉज फाउंड अगेंस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जब सारे केसेस में ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भाई इसमें कोई गलती नहीं है वो तो अपनी अथॉरिटी में अपना काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है तो क्या कहते हैं तो अनसक्सेसफुली द केस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम फिर वो कहां में चले गए कंज्यूमर फोरम में भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया और यही कहा कि जी ऐसे ऐसे मेरे को ये हरास कर रहे हैं ये कर रहे हैं एंड इन इट्स डिसीजन में 21 को ये डिसीजन आया कि हाई कोर्ट नोटेड देन दास गुप्ता फेल टू अटेन हिज ऑब्जेक्टिव इन लखनऊ उन्होंने एक फेक स्टोरी बनाई

कहते हैं ना कोई कहते हैं ना सेटिंग करके या अपनी पावर का इस्तेमाल करके थाने में भी इनकी कुछ कॉन्वर्सेशन वगैरह एविडेंसेस में मिली कि कि जहां पर इन्होंने उनको भी कि भी इन्फ्लुएंस किया वो को यहाँ पर लॉन्च कर दें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल है चैलेंज द एफ इन द इन दाईकोर्ट और सीधा ही ये जो एफ लॉन्च की गई इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोर्ड ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस एफ को रद्द और क्वैश कर दिया गया तो इसीलिए ही दोस्तों एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के साथ साथ हमें तमाम आप सभी को तमाम ड्यूटीज तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तमाम डेकोरमेंट डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है यदि आप एक पावर में आके पावर का मिसयूज़ करेंगे तो इस तरीके से देखिए उनके इनफैक्ट पर्सनल सर्विस बॉन्ड में भी ये जजमेंट की कॉपी लगाई इतने इन्होंने कुकअप स्टोरीज की इन्होंने यहाँ पर फेक केसेस डाले ये सब कुछ उनके रिकॉर्ड में आया और कहाँ चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट की पोजिशन पे ये आ, हमारे जस्टिस थे जज थे तो दोस्तों इसी इसी तरह आप लोगों को भी एक अपनी पावर अगर आप इस पावर एक न्यायाधीश बनने का सोच रहे हैं जुडिशल ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं तो उसके साथ साथ इस डिग्निटी को भी समझिएगा इस चेयर की डिग्निटी को समझिएगा कि यस आपको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि एक काफी अच्छा यहाँ पर केस था कि जहां पर जुडिशियल की की इनफैक्ट जो अब जितने भी जुडिशियल होंगे अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी एफ आई लॉन्च करवाना चाहते हैं तो उनको डीजे से परमिशन अप्रूवल भी लेनी होगी तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बताना चाहूंगी कि यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं

ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे बैरिस्टर बैच के साथ जुड़ सकते हैं ये बैरिस्टर बैच आपकी हेल्प करेगा कि आप वन गो में अपना ऑल इंडिया बार 19 एग्जाम्स को क्रैक कर, कर सके आपको क्या करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक करना होगा और ये कोड लगाना होगा APU, ताकि आप सभी को फिफ्टी का ऑफ यहाँ पर मिल जाए आज आखिरी मौका है आपके पास कि आप इसको 50 परसेंट ऑफ में ले सकते हैं मात्र सेवन हंड्रेड रुपीज में आपको, ये बैच मिलेगा। जहां पर मैं आपको 25 सभी ज्वाइन तो आप कर सकते हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चक्रव्यू बैच हमारा मिलेगा जहाँ पर अनिल खन्ना सर भी होंगे जिसकी टोटल सिर्फ 62 सीट्स बची हैं तनसुख पालीवाल सर भी होंगे इनका रेगुलर बैच है और ये हमारा चक्रव्यू बैच है जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे और हम सभी मिलकर आपकी तैयारी करवाएंगे आप सभी को मैंटर और गाइड करेंगे आपके जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को साकार करेंगे तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट का ऑफर यहाँ पर चल रहा है इन सभी ऑफर को ये फिफ्टी परसेंट को लेने के लिए आपको केवल ये तीन अक्षर यहाँ पर यूज करने हैं ए पी यू मेरे नाम के पहले तीन अक्षर ताकि आपको फिफ्टी परसेंट का ऑफ मिल जाए और पर्सनल एजुकेटर्स की मेंटरशिप मिल जाए तो जरूर इसे ज्वाइन कीजिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं कोर्स कोर्स नहीं सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा थर्टी फोर ट्रिपल नाइन में यदि आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा थर्टी नाइन ट्रिपल नाइन में और अगर आप 24 महीने दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिफ्टी परसेंट ऑफ में आपको मिलेगा फोर्टी नाइन ट्रिपल नाइन में लिमिटेड ऑफर है अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एटी फाइव को पांच बार डायल करना है आप लोग बता दीजिएगा कि अपूर्वा मैम की क्लास से हमें ये आ, नंबर मिला है और साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि हमें ये परसेंट ऑफ एपीयू कोड लगवा दीजिए और आपको यहां पर सभी ऑफर सभी डिस्काउंट मिल जाएंगे इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए आप को करना भी मत भूलेगा से यहां पर तीन है, Loss, World, आप तीनों को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि है your, your तो मैं मिलती हूँ इसी के साथ आपसे अपनी अगली लीगल अपडेट में तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड जय हिंद